कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मेरा नाम है अली हसन। और मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं तौफीक बार। और भाई देखने जा रहे हैं और इन्हें इंडिया का विजिट करना है, तो देखते हैं भाई भाई की वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का जरूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। ये तो इन झोपड़ी वालों की हालत है, पाकिस्तान विजिट करने आए अमेरिकन बंदे से ही अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे मतलब एक तरफ अमेरिकन बंदा जरा सहमा पाकिस्तान की तारीफ के पुल बांध रहा है और बदले में पोर की उतर आया ना औकात पे असली औकात। इन सालों के साथ कोई कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, मिलेगी नफरत ही। और ये सिर्फ अमेरिकन के लिए नहीं है, हिंदुस्तानियों के प्रति भी देख लो। इंडिया का नाम सुनते पहले ये दिमाग में क्या आता? हमारे दिल में उनके लिए नफरत पैदा होती है। बच्चों के दिलों में प्यार किसके लिए उमड़ता है? हाफिज सईद साहब ने वो सिंध वाले एरिया का दौरा किया भाई। बंदी एक आतंकवादी के नाम के पीछे साहब तो ऐसे लगा रही है जैसे यही उसकी रखेल हो। बंदों को एक तरफ मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को इज्जत भी देनी है और दूसरी तरफ इन्हें विजिट भी कहां का करना है इंडिया का, जो पिछले कुछ हफ्तों से माय फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया के नाम पर चुतियापा फैलाया हुआ है। और इस चुतियापे की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? इस डेली स्वैग चैनल नामक गरीबों के शाहरुख खान ने। जो काम मैं करने जा रहा हूँ आज तक न किसी यूट्यूबर ने किया, ना आने वाले कोई कर सकता। बिल्कुल सही। फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया के नाम पर चुतियापा कोई कर ही नहीं सकता। ये कला सिर्फ तुम पोर्चो के ही पास है। और अगर तुझे कुछ ऐसा करने का ही शौक है जो आज तक किसी ने ना किया हो, तो एक काम कर, नंगा होकर खड़ी तलवार पर रपक और अपने हथियार से ब्रेक लगा। ये कारनामा आज तक इतिहास में किसी बंदे को नहीं होगा। क्या हुआ, सोचकर ही फट गई। और भाई अगर आप इन पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल को देखोगे तो आपको लगेगा पाकिस्तानी इंडिया का विजिट करने की बात कर रहे हैं और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान की रियल आवाम, मैं तो कभी भी इंडिया नहीं जाऊंगी, कोई भी प्राइस और मैं नहीं जाऊंगी, इंडिया से मुझे बिल्कुल बहुत ही नफरत है। ये है पाकिस्तान की रियल आवाम, बाकी तो फर्जी रिएक्शन के नाम पर इंडियन लोगों का चूतिया काट रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। इनका ये फर्जी रिएक्शन कोई नया नहीं है, ये काम तो बंदे सालों से करते आ रहे हैं। अब इनकी इंटरव्यू देने वाली पब्लिक को ही देख लो, बंदों ने 10-10 रुपए देकर ऐसे कई लोगों को लगा रखा है जो हर पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर जाकर इंटरव्यू देते फिरते हैं। एक ही लड़की 50 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आपको इंडिया जाने का मौका मिले, इंडिया विजिट करने का मौका मिले तो जाएंगी जरूर। क्या देखेंगी वहां जाकर? मैं कुछ नहीं। तो क्या इंडिया खत्म हो गया? ही बोलते नजर आते हैं जितनी इनमें चाबी भरी जाती है। और अगर उससे ज्यादा इनसे कुछ पूछ लिया जाता है तो इस बंदी जैसी ही हालत हो जाती है। बंदी इंडिया का विजिट करना जरूर चाहती है लेकिन देखेगी क्या? कुछ नहीं। उन्होंने इंडियन लोगों का इस कदर माइंड वॉश किया हुआ है कि सब कुछ आंखों कानों से देखने सुनने के बावजूद भी इंडियन लोग इनकी हरामी पंती नहीं समझ पा रहे। और इस बहन की घोड़ी को ही देख लो, ये है आलम से जो पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल चलाती है। और इसका कहना है, आज हम बात करने जा रहे हैं यासीन मलिक, जो कि नरेंद्र मोदी के हुकूमत के होने के बाद जो उन पे जुल्म किया गया है। आतंकवादी यासीन मलिक पर जुल्म किया गया है और जो वो वर्षों से कश्मीरी पंडितों पर जुल्म करता आ रहा था उसका कुछ नहीं, मतलब बंदी खपंच सी है, वो इसमें ढंग से फूक भी मार दे तो टप्पा खाकर कैमरे के लेंस पर जाकर लगेगी। आतंकवादियों के सपोर्ट में आवाज उठाएगी। अबे पोल क्यों औकात में रहो, मतलब बंदे आतंकवादियों के सपोर्ट में तो तुरंत खड़े हो जाएंगे, लेकिन बात जब पाकिस्तान में रह रहे सीधे साधे हिंदुओं की हो तो एक बंदा उनके सपोर्ट में आकर रोडों पर धरना नहीं देगा, जबकि खुद इनके मुल्क में हिंदुओं की हालत, इनकी एक और हिंदू लड़की मुसलमान हो गई है। चलो ये तो फिर भी पाकिस्तान के आम हिंदू नागरिक हैं। बंदों ने पाकिस्तानी हिंदू सांसद दानिश कुमार को भी नहीं छोड़ा, बंदे उस पर तक धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहे हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि दानिश कुमार कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। अब भाई खुद सोचो इन पोर्चो ने पाकिस्तानी हिंदुओं की क्या दुर्दशा की हुई होगी, लेकिन मजाल है कि कोई पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल हिंदुओं के समर्थन में ट्विटर पर ट्रेंड चला दे। हाँ, लेकिन यूट्यूब पर बंदों से फालतू का रिएक्शन देते हुए 50 वीडियो डेली जरूर बनवा लो, क्योंकि यूट्यूब पर कमाई होती है ना, ट्विटर पर यूट्यूब जैसी कमाई नहीं हो सकती। तभी तो
यूट्यूब पर माई फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया मुस्लिम कंडीशन इन इंडिया, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या कंडीशन है, इस पर कोई पोर्की ट्विटर पर ट्रेंड नहीं चलाएगा, बस वीडियो बनाकर यूट्यूब से डॉलर्स में छापेंगे, वो भी किससे, इंडियन ऑडियंस से, क्योंकि 99% तो इन्हें देखने वाली इंडियन ऑडियंस ही है, बचे 1% तो वो दूसरे देशों के हैं जिनमें कितने परसेंट पाकिस्तानी इनके चैनल्स को देखते हैं, यहाँ तक कि कुछ पाकिस्तानी चैनल्स तो अपनी वीडियोज को पाकिस्तान में ब्लॉक करके तक रखते हैं ताकि पाकिस्तानी ऑडियंस इनकी वीडियोज ही ना देख पाए, क्योंकि इन्हें तो इंडिया का गुणगान करके यूट्यूब से कमाई करनी है, और उधर रियल पाकिस्तानी इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गिज़वा हिंदू है ना, सबसे पहली सब में जाएंगे हम, लड़ेंगे और इनसे 30-40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा जन्नत में। अरे तुम्हारी बहन का जिहादी मारूं, भूखे मरने की नौबत आ गई है और तुम काफिरों को मारोगे, पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, मतलब बोल गया कहते हैं, दिन रात इंडिया को गालियां बकते हैं, चिल्लाते फिरते हैं, और उसके बाद आप लोग मुझसे उम्मीद करो कि मैं इन लोगों पर प्यार बरसाऊंगा, भाई अगर ऐसा सोचते हो तुम्हारे मुंह पर पानी फेंक मारता हूं। और ये फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया वाले पोल की भी कान खोल कर सुन लो, जो एक जगह बैठ कर इंडिया घूमने की बात करते हैं, ये तुम्हारा प्रचार, घूमना फिर मैं वक्त को सड़ दूंगा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यार आप कोई माय फर्स्ट विजिट करेगा नहीं, मैं बोलता हूँ जो बोलने का सोच रहा है या कुछ करने का ना, उसको भाई ये वीडियो दिखा देते हैं भाई कि भाई आज तो एंड हो गया, पिछली वीडियो में भी देख रहे हैं लेकिन आज मजा आया, जो कि भाई वो जल्दी शाहरुख खान वाली जो थी ना, मस्त लगी है भाई उसने, भाई मैं एक नया काम करने जा रहा हूँ कि जो आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं किया या किसी दुनिया में कोई नया नहीं किया, क्या बात है भाई, भाई बाकी उसने भी ट्रेंड तो चलाया था लेकिन ट्रेंड भी पुट्ठा पड़ गया था सबको, क्योंकि सारे एक ना जो भी चैनलों वाले थे भाई वो उठ गया था, हमने भी दो वीडियो बनाई लेकिन हमने टाइम से डिलीट कर दी थी क्योंकि मामला कुछ ना और और तरफ जा रहा था, इसलिए भाई डिलीट कर दी थी। नहीं नहीं उसने दो तीन दिन पहले या तकरीबन हफ्ता पहले एक पोस्ट लगाई थी कि अब मैं क्या जो है ना वो एक नया करूँ तो उसके नीचे जो कमेंट आए हुए थे ना वो तकरीबन 2,500 कमेंट इस चीज के ऊपर ही था कि ये चुके अपा ना कि ये जो चवल पहले बात नहीं है ना भाई, और ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता था यार देख लो लोग मेरा ट्रेंड कॉपी कर रहे हैं, ट्रेंड कॉपी कर रहे हैं, तूने किया क्या है भाई ये बता, इधर बैठ कर ठीक है उसकी मेहनत है जो भी उसने किया है वो एक अलहदा मैटर है, लेकिन ये कि जो है ना मतलब किया तो देखा जाए तो उसने कुछ पॉजिटिव ही था कि चलो थोड़ा मतलब बेहतरी की तरफ, लेकिन ये कि जब वो आगे चीजें दिखाने लग गए ना तो वो मामला थोड़ा उसको उल्टा ही पड़ गया। हाँ आप एक वन एक जगह पे बैठ के इंटरव्यू करें, आप जो भी है मतलब कोई भी सवाल जो आप जो है ना वो करें जो भी रेलेवेंट होते हैं, लेकिन ये कि ये जो गलियों में चलना या मतलब अपनी प्लेस दिखाना जो है ना ये थोड़ा सही ये गलत बात थी, क्योंकि हमने काफी वीडियो पर रिएक्शन भी दिया था, लोग दिखाते भी थे हर चीज, तो हम भी एक ना इजी लेकर वीडियो पर रिएक्शन दे देते थे कि चलो कुछ ना कुछ हम भी चीज इंडिया में देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस का तो काफी एक पता भी था एक हद तक, काफी प्राइस की वीडियो भी देखी हुई थी, लेकिन जो गली मोहल्लों में लेकर वो चले जाते थे ना वो काम खराब हो गया था, इसी वजह से भाई सामने यू टर्न मार लिया, लेकिन अभी तक कुछ है भाई वो अभी तक भी नहीं यूटर्न मार रहे वो भी डेली स्वैग वाला भी उसको अगेन यार मैसेज एक मेंशन कर रहे हैं पता नहीं माइंड ही ना कर जाए, लेकिन भाई काफी उसने एक ट्रेंड तो चलाया था सामने काफी कौन सा था। भाई उसको गाली नहीं अभी एक कुछ एक हद तक रीक कर रहे हैं उसके एक हद तक कुछ कंट्रोल हो चुका है, कुछ लोग पीछे हट चुके हैं, नहीं नहीं अब कुछ भी नहीं देता अब कोई नहीं वो काम बंद हो गया, अब आप नई दुनिया में जी रहे हैं पुरानी बंद हो गई है, सही बात है आप देखे मतलब के पॉजिटिव चीज देखे, लेकिन जो वो था ना एक मतलब के रियल पब्लिक नहीं नहीं वो तो शुएब भाई है, एक और था जो एक फेसबुक पर मतलब के इंडिया के खिलाफ पोस्टर करता और उधर फेसबुक पर गजबा हिंद करता था और इधर इंडिया के मतलब के पीस की बातें करता था, वो बंदा सबसे डिफरेंट उसका यार माइंड काफी चला था, देख लो कि इधर कैसी पोस्टें हैं और यूट्यूब पर भाई हमारा प्यार बढ़ा इंडिया के साथ क्या ही मजा, वो थोड़ी गलती छोड़ जाते हैं जिस तरह लास्ट आपने देखा था ना वो खालिस्तानी ट्विटर स्पेस में बात कर रहे थे
तो साथ ही एक पाकिस्तानी चला गया, उसको फौरन कह दिया भाई नाम चेंज करके आओ, खालिस्तानी बन कर आओ, ऐसे ऐसे कौन सा वादा ले रहे हो यार। तो इसी तरह ये बेचारे जो है ना, वो इनकी शॉर्ट मेमोरी है, ये भूल गए थे कि हम पहले गजबा इन लड़ते रहे और साथ ही हमने जो है ना वो दूसरा काम शुरू कर दिया, इसलिए वो डिलीट करना याद नहीं रहा। लेकिन ये नहीं पता कि हर चीज जो है ना वो मिल जाती, थोड़ा बंदा पीछे लगे तो। लेकिन ये रोस्ट भी अच्छा था, बाकी ये कि जाहिर बात है कुछ मामलात ऐसे हैं जिनकी तरफ जो है ना वो फोकस करने की जरूरत है। और ठीक है यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, मजा तो तब आता है जब आप अदर प्लेटफॉर्म जो है ना उनके ऊपर भी आप इस तरह की कंपेन करें, अगर आप वाकई इस चीज में सिंसेर हैं या आप लगता है कि भाई वाकई आप चाहते हैं कि ये थोड़ा बेहतरी की तरफ जाए। तो जो भी यहाँ पे मामलात हैं जिस तरह हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रहा है या यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके आवाज बने, जिस तरह आप देख लो पार्लियामेंट में भी एक बंदा खड़े होके इस चीज के ऊपर बात कर रहा है कि मुझे यहाँ पे दोस्त कहते हैं कि आप कलमा पढ़ो, लेकिन ये चीजें ठीक नहीं है। अपनी मर्जी से जो मर्जी को करें, इस चीज को हम ये नहीं कह सकते कि आप मुंह से बोल के करें, ये जो भी है हर किसी का अपना सिस्टम है, उसको चलने दे जीने दे, ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। सही बात है। बाकी भाई अब ये शुक्र है कि ये एक मामला एक दफा थम तो गया है, अब दोबारा उम्मीद है कि ये सार नहीं उठाएगा, लेकिन ये है कि वो नहीं करते ऐसे गुड़ोक गुड़ोक, वो बारिश आती है तो अब वो बारिश होती है तो किसी की प्राइवेसी भाई शो ही नहीं करनी चाहिए, ना देखनी चाहिए, ना किसी को बोलना चाहिए कि आप जाकर शो करें, हर चीज काफी प्राइवेट होती है। सही साहब, आप सही साहब, वो भी सही था। स्टार्ट तो इन्होंने थोड़ा बहुत किया था ये जो लड़की है, लेकिन ये के बाद में पता नहीं इनको फिर क्या मसला बना, फिर उसने देख लिया, उसने फिर आगे जो है ना, लेकिन ये कि यार उसकी वो तस्वीर वाकई रियल थी, जो जाली शाहरुख खान वाली थी जो वो फसलों में गया है वो। हाँ, वो वीडियो क्योंकि उसका एक व्लॉगिंग चैनल भी है और काफी पहले टिकटॉकर भी है, वो काफी फेमस चीज है भाई पाकिस्तान के, वो उनमें भाई गिना जाता है। लेकिन आपको बोलता था एक डायलॉग लोग इनको नहीं पता होगा वो अच्छा था भाई बोले लोग। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का जरूर कीजिएगा। अल्लाह।